अस्सलामु अलैकुम हवातीनो हजरात, तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब के सब ठीक होंगे आपकी दुआ से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, तो ठीक भी हूँ और नहीं भी हूँ ठीक। आज मेरा दिल टूटा हुआ सीधा, मतलब गलती अपनी है। गलती अपनी नहीं हो तो किसी की हिम्मत नहीं है किसी का दिल तोड़े, लेकिन फिर से संभलना है, उठना है, गिरना है, ये खुद तक ही है। लेकिन चलो शुरुआत में अपने दुखड़े नहीं सुनाते हैं। उम्मीद करते हैं आप खैर वाफियत से होंगे, अपने घरों में खुश बाश अंदाज में होंगे। तो मेरा नाम जान लें, मेरा नाम है शहनाज अख्तर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहनाज का व्लॉग, शहनाज व्लॉग्स। तो शहनाज व्लॉग्स आप देख रहे हैं, सो खुश आमदीद करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल में। तो बस अभी जोहर की नमाज़ पढ़ी है मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट किया जाए। तो अभी व्लॉग मैंने स्टार्ट किया। आज मौसम बहुत अच्छा है बाहर का, तो आज आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ आप सब लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है, दुआ ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आज यहाँ लगा है, यहाँ दर्द हुआ है। तो वो आप जानते हैं, या फिर वो तो मेरा अल्लाह जानता है, या फिर वो जानता है जिसका दिल टूटा हुआ है। तो बस आज इस दर्द के साथ में आपका वेलकम करते हैं। अभी देखो अजान हो गई है और मैं सुबह से छत पे नहीं आई आज, पता नहीं क्यों नहीं आई मैं आज। मौसम भी अच्छा था लेकिन मैं तब भी छत पे नहीं आई। कुछ बस ऐसे ही लाइफ इतनी स्ट्रेस में जा रही है कि बंदे को समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना। अभी पानी आया था, मैंने टैंकी में पानी लगाया है, पानी भरा है, अजान हो गई, अब जा रही हूँ अंदर नमाज पढ़ने के लिए। तो बाहर गई थी मैं, बाहर से होके आई, कहीं काम गई थी थोड़ी सी, उधर मैंने शूट की है वीडियो, एक क्लिप खंड किया है बस, ज़्यादा कुछ नहीं। तो छत पे मैं नहीं आई थी आज, काफ़ी मैंने मिस किया छत को, तो अभी मैं आ गई हूँ। मैंने कहा चलो थोड़ा यहाँ का विज़िट कर लिया जाए, क्योंकि वो देखिए बच्चे कब्रिस्तान में लगे हुए खेलने के लिए, लेकिन ये मस्जिद पर नमाज़ पढ़ने नहीं गए। अब ये क्यों नहीं गए मुझे नहीं पता, शायद इनके बड़ों ने नहीं बोला होगा इनको चलो नमाज़ पढ़ने। तो मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा क्लिप आपको मैं यहाँ का दिखा देती हूँ। बागी बो में भी मुझे शकीला ने फ़ोन किया था, बोल रही थी कि इधर आ जा, फिर मैं वहाँ पे गई नहीं। वो देखिए वहाँ पे वो जा रहा है, एयरप्लेन जा रहा है, जहाज जा रहा है, ये देखो जहाज जहाज ये जा रहा है। जैसे जिगर बोलता है खाला जहाज आया जहाज, वो बोलता है जहाज। तो मेरे को मैं चला गई होती लेकिन मुझे कुछ काम था, तो मैंने कहा चलो वो पहले निपटा देती हूँ और उसके बाद जाऊँगी। यार कुछ काम करना, ऐसे बैले कब तक बैठे रहने हैं। दिख राजे ने कुर्सी रखी ऊपर लाके, इन्होंने परसों रात को इधर आके बिरयानी खाई और कुर्सी यहीं पे रखी। क्या बोलूँ इसको मैं मोटू को। तो वो देखिए ब्रिज भी कितना प्यारा चमक रहा है लाइट से। तो थोड़ा अभी मतलब आज दिन में अल्हम्दुलिल्लाह मौसम काफ़ी ठंडा था, रात में थोड़ी हल्की हल्की बारिश हुई थी और पीछे पहाड़ों पे भी बारिश हुई, उसके कारण से हमारे यहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब वो हो जाता है कि भाई थोड़ी सी गर्मी को फ़र्क पड़ जाता है, गर्मी थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए फिर हमारे को थोड़ा रिलीफ मिलता है। लेकिन वो देखो बच्चे वहीं पर खेल रहे हैं, नहीं जा रहे वहाँ से, तो नहीं जा रहे, चाहे जो मर्ज़ी करो आप, हम नहीं जाएंगे, यहीं खेलेंगे कब्रिस्तान में। और जो कब्रिस्तान के फूल है ना, अल्लाह अकबर, इनकी अलग ही एक कहकहाहट है, और दूसरी जो कब्रों पे इन्होंने कलर किया हुआ है,
अच्छा एक वीडियो देख रही थी मैं फलिस्तीन की, अभी मैं आपको नमाज़ पढ़ के बताऊंगी उस वीडियो के लिए, फ़िलहाल लंबी हो जाएगी वीडियो, मैं जाती हूँ नमाज़ पढ़ने। यार इन कौओं को रात को क्या चाहिए, इन पेड़ों में रहते हैं, इस पेड़ में रहते, इसमें रहते, उस वाले में रहते, अभी ये इसमें पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं ये रात को, क्या कर रहे हैं पेड़ों में ये कौवे। यार मैं परेशान हूँ, इनके घर इनमें है क्या। हे अल्लाह जी ये क्या हो रहा है यार, ये मोदी के शहर में क्या हो रहा है मुझे समझ ही नहीं आ रही है। तो चलो नमाज पढ़ते हैं। आज मैंने ब्रेकफास्ट में क्या बनाया, सूजी की फेरीन बनाई है, देखिए दूध में, और इसमें मैंने नारियल कट करके डाले, तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है और ये ठंडी भी होती है, इसको खाना चाहिए। और इसमें और काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स आप ऐड कर सकते हैं, बादाम थे मेरे पास मैंने ऐड नहीं किए, तो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं इसलिए मैंने ऐड नहीं किए, इसमें नारियल ऐड किया, नारियल मुझे अच्छा लगता है पर्सनली। और यहाँ नेक्स्ट डे हो गया है और आज मैं दूसरे दिन अपना वीडियो एंड कर रही हूँ, अभी तक मैंने एंड नहीं किया था क्योंकि रात को थोड़ा बहुत शूट किया था, बाहर गई थी तो बस उधर से वापस आई, फिर हिम्मत ही नहीं लगी, कुछ पता नहीं ऐसे ही कुछ परेशानियाँ सी चल रही हैं, तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी व्लॉग को एंड कर दिया जाए। अभी बज रहे हैं 12:30 नेक्स्ट डे के, तो 12:30 बज रहे हैं, अभी मैं नहा के आई और अपने कपड़े ये वाले लगाए मैंने, ग्रीन वाले, जिन पे फैंसी दीदी और उन्हें मुझे कढ़ाई करके दी थी, ये देख सकते हैं आप, तो ये वो मैंने पहने। अभी मैं जा रही हूँ बाहर, अब देखेंगे मेरे YouTube पे एक मिडिल क्लास लड़की की स्ट्रगल कैसी होती है, तो देखना ना भूलिएगा, ज़रूर देखिएगा, आपको पता चलेगा एक लड़की के लिए कितना मुश्किल होता है एक अपना सर्वाइव करना, या फिर मतलब बाहर रहती हैं लड़कियां, जो गरीब लड़कियां होती है, कितना मुश्किल होता है उनके लिए बाहर अपना वो अपने आप को मतलब एक मकाम पे रखना, उनका अपना जॉब, उनका अपना खाना पीना, रेंट वगैरह बहुत कुछ, आपको पता है कितनी महंगाइयाँ हैं इस टाइम पर, तो बस वही स्ट्रगल मेरी चल रही है। और बाहर जा रही हूँ कहीं पे जगह देखने के लिए, दुआ करना कि मिल जाए कोई जगह, तो ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, अगले व्लॉग में आपको सारा बताऊँगी कि कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी, क्या नहीं करूँगी, वो अगले व्लॉग में देखेंगे आप। तो ये एक छोटा सा व्लॉग है, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आपकी सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। और मुझे ना कल एक अजीब सा एक कॉमेंट आया, पता नहीं किसने किया कॉमेंट, उसने मुझे बोला कि आपको कोई और काम नहीं है, तो वो भाई है या बहन है, मैं इतना ही उससे कहना चाहूँगी कि मेरे को काम तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये भी तो काम है, ये भी तो काम के लिए ही है ना, ये कोई ऐसे फालतू टाइम पास तो नहीं ना है, तो बस लोग कहेंगे हम चलेंगे, मुसाफिर हैं क्या ही कर सकते हैं, तो बस यही है, आप लोगों से उम्मीद है कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगेगा, प्लीज़ मेरे व्लॉग को पूरा वॉच किया करो, पूरी वीडियो देखा करो, ताकि मेरा चैनल मोनिटाइज हो जाए, प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और देखना ना भूलिएगा अगला व्लॉग मिडिल क्लास लड़की का।